नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। आज हम इस वीडियो में महाभारत की कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां जानेंगे। महाभारत में शकुनी की भूमिका। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश, सुबल और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबल के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबल ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डियों के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बना। द्रौपदी का पिछला जन्म। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेन नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौदल्य का देहांत जल्द हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। धृतराष्ट्र का पिछला जन्म। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में उसे एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। कृष्ण का रथ। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। वह जिस रथ को चलाते थे वह अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। युद्ध के बाद उन्होंने पहले अर्जुन को रथ से उतरने को कहा, उसके बाद वह उतरे। कृष्ण के रथ से उतरते ही रथ एक जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो। सहदेव एक ज्योतिषी थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महाभारत युद्ध होने वाला है, पर उसे कृष्ण ने श्राप दिया था अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभिमन्यु कौन थे? कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काले वन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने काले वन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारका ले गई और एक अलमारी में रख दी। सुभद्रा ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी बस से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। एक लव्य की कहानी। एक लव्य देवश्रवा का पुत्र था। वह जंगल में खो गया था और उसका एक निषाद हिरण्यधनु ने बचाया था। एक लव्य रुक्मणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाए। अपने अगले जन्म में एक लव्य दुष्टुम्ब बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। भीम का पुत्र। भीम का एक पुत्र महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहा। उसका नाम सर्वागा था और उसकी माता का नाम बलंधारा। परीक्षा से बहुत बड़ा होने के बाद भी उसे राज्य नहीं मिला और अंत उसे काशी जाकर राज करना पड़ा। काशी उसकी माता का राज्य था। सर्पयज्ञ। काफ़ी सारी छोटी छोटी कहानियाँ महाभारत का हिस्सा है। अमृत मंथन भी उन्हीं में से एक है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत की पूरी कहानी जनमज्ज के द्वारा करवाए गए सर्पयज्ञ के समय सुनाई गई थी। जनमज्ज परीक्षित का पुत्र था। पंचम भेद। महाभारत ग्रंथ को पंचम भेद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की कहानी शुरू करने से पहले और ख़त्म करने से पहले शांति पर्वम का पाठ करना अनिवार्य है। द्रौपदी और सत्यभामा। महाभारत हर तरह के ज्ञान का स्रोत है।
वानपर में द्रौपदी सत्यभामा को पत्नी धर्म के गुर सिखलाती है। वह विस्तार से पत्नी के कर्तव्य का विवरण देती है। द्रौपदी ने चीरहरण के बाद क्षमा मांगी। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गया तब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण कर का प्रयास किया। इस पूरी प्रकरण के बाद द्रौपदी ने दरबार में बैठे सभी बड़े लोगों से क्षमा याचना की। उसने कहा, मुझे दरबार में घसीट के लाया गया और बेइज्जत किया गया। इस सब के होते मैं अपने बड़ों को प्रणाम नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कृष्ण और दुर्योधन। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने के भाव से गीता का उपदेश देने की कोशिश की। दुर्योधन ने कृष्ण को रोकते हुए कहा, उसे सही और गलत का पूरा ज्ञान है, पर उसका अपने आप पर ही वश नहीं है। उसका कहना था कि उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो उसे सही पथ पे नहीं चलने दे रही। पांडु की अंतिम इच्छा। पांडु ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के तीन हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। क्या महाभारत सिर्फ एक पुराण है? कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हुआ। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है अगर उस जगह पे बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदलती। बर्बरीक और कृष्ण। बर्बरीक भीम का पराक्रमी पोता और कृष्ण का शिष्य था। बर्बरीक को कोई नहीं हरा सकता था। उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए तीन तीर थे जिनसे वह कई भी युद्ध जीत सकता था, पर उसने शपथ ली थी वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। महाभारत के युद्ध के समय यह एक दुविधा बन गई थी, क्योंकि अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ा तो युद्ध के पहले दिन ही कौरव कमजोर हो जाए और फिर बर्बरीक को उनकी तरफ से लड़ना होगा। इस प्रकार पांडवों की हार निश्चित थी। इस दुविधा से बाहर आने के लिए और पांडवों को हार से बचाने के लिए कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का सर मांग लिया। दुर्योधन पुत्र। दुर्योधन के पुत्र के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताया गया है, किंतु दुर्योधन का एक पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण। योद्धाओं के शंख। सभी योद्धाओं के शंख बहुत शक्तिशाली होते थे। भगवद गीता के श्लोक में सभी शंखों के नाम हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, भीम के शंख का नाम पौंडर था। उसकी आवाज़ से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अंतविजय, सहदेव के शंख का नाम पुष्को और नकुल के शंख का नाम सुदोशोमनी था। अर्जुन की पत्नी। एक बार कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो। उनकी गलती की सजा के लिए वे 12 साल के वनवास के लिए निकल गए। उस दौरान अर्जुन ने तीन विवाह किए, चित्रांगद, उल्पी और सुमित्रा। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।